है मेरा आईपैड एयर 4। इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, बट एक्चुअली क्या हुआ था, जो एक कॉपीराइट आने की वजह से मैंने सॉन्ग डिलीट कर रहा था, बट मेरी वीडियो भी आधी से डिलीट हो चुकी थी और मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था ज़्यादा। तो मैंने वो वीडियो जब डिलीट करी तो पता चला मेरी आधी से ज़्यादा वीडियो डिलीट हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MG भाई। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस आईपैड एयर 4 के साथ, क्योंकि मैं इसको 1 साल से यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये आईपैड, क्योंकि जो मैंने अभी ये आईपैड ख़रीदा था तो उस टाइम उसका वैल्यू करीब 54,000 के आसपास था, बट मैंने बिग बिलियन सेल में ही ख़रीदा था उसको। बिग बिलियन सेल में मुझे ये 42,150 के आसपास का पड़ा था। मुझे इसकी सबसे अच्छी जो बात लगती है वो इस आईपैड की डिस्प्ले है, जिसका डिस्प्ले क्वालिटी एक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। आप और इसकी ना एक इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के बाद अच्छा परफॉर्म करता है, और आज तक सच बताऊँ मुझे इसमें एक भी लैग देखने को नहीं मिला है, कभी भी मेरे पास हैंग नहीं हुआ है, जबकि मैं इसको स्टोरेज को फुल रखता हूँ। ये 64 GB वाला वेरियंट है, जैसे ये 64 GB वाला वेरियंट है उसमें स्टोरेज जैसे कमी लगती है मुझे, तो मैं अपना SSD मैंने लिया हुआ है, SSD को मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे OTG केबल के अकॉर्डिंग मैं इसको कनेक्ट करने के बाद मुझे इसमें स्टोरेज बढ़ जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का इसमें लगा, और इसकी जो SSD लगाने के बाद भी मुझे इसमें एक भी लैग देखने को नहीं मिला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसमें एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा आईपैड है, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एडिटिंग कर देता है। आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करेंगे तो ज़रा सा भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं आई मूव से एडिटिंग करता हूँ, मेरी जितनी भी यूट्यूब की वीडियो है सारी मैं आईपैड से ही सी आईपैड से एडिटिंग करता हूँ अपनी। और आपको एक चीज़ और इसमें मिल जाती है जो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप कोई दूसरा आईपैड लेते हैं जैसे आईपैड एयर 2 था, ये पुराने मॉडल्स थे, तो उनमें आपको यहाँ से आपको पेंसिल कनेक्टिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, बट इसमें ये सेकेंड जनरेशन पेंसिल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। कुछ कैमरा के शॉट्स दिखा देता हूँ जो इसी के फ्रंट कैमरा से लिया हुआ है। ये मेरा भांजा है देव, और इसने शॉट्स लिए हुए हैं, तो इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है, मगर ठीक अच्छा क्वालिटी है कैमरे की, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ना ज़्यादा बुरी है, मतलब ठीक है, नॉर्मल कैमरा है ये। फ्रेंड देखिए इसकी वीडियो क्वालिटी, देखिए इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। ये देव सेटअप कर रहा है। ये मैंने इसी कैमरा से बनाई हुई है जो ये वीडियो थी, ये आपने जो अभी देखी है इसी कैमरा से बनाई हुई वीडियो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनी हुई है इस कैमरा से। तो मुझे तो इसका कैमरा भी जो है बैक कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस आईपैड को लेना वर्थ इट होगा। फ्रेंड्स, मुझे इसमें एक चीज़ और अच्छी लगी, जो टच आईडी का इसमें सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप इसको इधर से करते हैं तो इस वाली अपनी उंगली से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप दोनों साइड से इसको चला रहे होते हैं तो इसमें बहुत चीज़ काम आती है। और एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी इसकी ये लगती है कि आप अगर आप कोई एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर आप वैसे मेरे पास iPhone 12 है, अगर मैं इसमें एयरपोर्ट्स को खोलता हूँ तो इतनी जल्दी फास्ट कनेक्टिविटी नहीं होती है, बट मैं अगर इसी आईपैड के अंदर अपने एयरपोर्ट्स यूज़ करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कनेक्टिविटी हो जाती है। और आज भी देखिए मुझे 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हुए हो गया, आज भी आईपैड पे आपको स्क्रैचेस नहीं नज़र आएंगे। वैसे तो मैं कवर लगा के रखता हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने मटेरियल लगाया हुआ है, इससे कम स्क्रैचेस इसमें नज़र आ रहे हैं।